विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल सुना ही होगा, पाकिस्तानी परफ्यूम्स में ये है खादी की परफ्यूम, ये ना बहुत एक रिच वाइब देती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला आप सब की परेशानियां दूर करे और मुश्किलें आसान करे, आमीन सुम आमीन। चलें तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो गई है सुबह, मैंने बस नमाज़ वगैरह पढ़ी, मैं नीचे आ गई अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और साथ ही मैंने देखा कि यहाँ पे बन रहे थे मोमोज़। ये वही मोमोज़ हैं जो कि हमने रमज़ान प्रेप में बनाए थे और इतनी क्वांटिटी में बनाए थे ना कि अभी तक हमारे फ्रीज़ किए हुए पड़े हुए हैं और ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं हुए। और यहाँ पे मामा अपना काम कर रही है, कुकर में कुछ उन्होंने रखा था मुझे अभी याद नहीं है, तो बस उसी को ही देख रही हैं और साथ में मैं अपना कहवा बना रही हूँ। और उधर जो है मेरी एयर फ्राई हो रही हैं विंग्स एंड फ्राइज़, वो हो जाए तब तक मैंने कहा कहवा बना के पी लेती हूँ। और उधर जो है ना हनी मोमोज़ बना रही है, असल में मोमोज़ जो है ना वो हनी बना रही थी। हम लोग लाइक हम दोनों जो है ना एकदम साथ ही उठे थे, लेकिन फिर ना वो मुझसे पहले आ गई थी नीचे, फिर मैं बाद में आई थी, मैंने कहा नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ। अब हनी की यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो उसकी रूटीन तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। अब मैं आजकल परेशान हूँ कि मैं अपनी रूटीन कैसे ठीक करूँ। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद बोर हो गई हूँ शाम को उठ उठ के। और बस आप देख सकते हैं वहाँ पे हनी बना रही है मोमोज़ की सॉस जो कि इजीली बन जाती है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। और मैं गलत मग में जो है कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ, सारा सा मिक्सचर ऐड कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं बाद में जो है ना चेंज कर लूँगी। एक दो इतना नींद लाइक शाम को आप उठते हैं ना, रात की नींद नहीं होती तो आपका दिमाग उठने के साथ काम ही नहीं करता बिल्कुल। और यहाँ पर देखें हनी जो है डिश आउट कर रही है अपने मोमोज़, ये अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं एंड आप ये क्लोज़अप लुक देखें कितना मज़े का हो रहा है। और बस अभी ये जाके अपने मोमोज़ इंजॉय करेंगी, तब तक जो है ना हम कॉफ़ी बनाते हैं। कॉफ़ी बनाने के साथ साथ जो है ना अभी वेट करते हैं कि हमारे विंग्स भी बन जाए। आप लोग बताएं आप लोग आजकल ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं? मुझे ना बहुत इजी लगते हैं बनाने में और खाने में भी मज़े के होते हैं ये विंग्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ना मैं कहती हूँ कि आपने भी मोमोज़ बना के ऐसे रख देने हैं, कभी भी आपको भूख लगे तो आप खा सकते हैं। अच्छा, तो ये जो मेरी ड्रेस है ना, ये मैंने घर पे इस्तेमाल कर दी है। इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग मुझे सिंपल सी लग रही थी, मैंने सोचा सिंपल ही है, लेकिन आप लोगों को भी आइडिया दे देती हूँ। तो इसकी ना एक चाइनीज़ कॉलर बना हुआ था, उसके पूरी पाइपिंग लगी हुई थी गोटा लेस की, जो कि लाइक नमक पारे की तरह होती है ना लेस, वो लगाई हुई थी। तो वो लेस जो है हमने यहाँ दामन पर भी लगाई थी, साइड्स में भी लगाई थी, जो दामन का पूरा बॉक्स होता है ना चाक दामन, उस सब पे जो है ना आगे पीछे ये लेस लगा ली थी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका कलर ग्रीन है और इसके नीचे जो प्रिंट है ना वो थोड़ी सी ग्रेइश है, तो हमने सिल्वर से इसे कॉम्प्लीमेंट किया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। स्लीव्स पे भी वही लेस थी, तो बस वो जो है ना मैं जा रही थी अभी फ़्रेश होने के लिए, मैंने सोचा फ्रेश होने से पहले थोड़ा सा बकलावा खा लेते हैं, फिर मैं फ़्रेश होकर आई हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं अपनी स्किन केयर कर रही हूँ, बस जैसे ही मैंने फ़्रेश हुई तो मैंने कहा कि विटामिन सी लगा देती हूँ, जो भी मेरे स्किन पर डार्क स्पॉट्स होंगे वो चले जाएंगे। और उसके बाद ना नाइसिनमाइड आपने पूरे फेस पे नहीं लगाना, मेरी तरह गलती नहीं करनी, ये स्किन को ओवर ड्राई कर लेता है। वो जहाँ जहाँ मुझे अभी पिंपल्स है ना, मैंने बस वहाँ पे डॉट डॉट लगाया है और फिर जो है ना स्प्रेड कर दिया। अच्छा जी, फिर आ गया है मेरा खाना ऊपर, और खाने में है मेरी फेवरेट दाल चावल एंड आलू, और फिर बस मैं ये इंजॉय कर रही हूँ। और साथ में मैं ना अपने यूट्यूब के ब्लॉग्स भी देख रही थी, अपने नहीं लाइक दूसरे यूट्यूबर्स के ब्लॉग देख रही थी। फिर मुझे क्रेविंग हुई थोड़ा सा मीठा खाने के लिए, फिर मैं नीचे आ गई और जो है ना पिस्ता आइसक्रीम निकाली अपने लिए भी और मामा के लिए भी, फिर मैंने इंजॉय किया। ओवर, आप सबको मेरा परफ्यूम हॉल चाहिए था, सो हेयर इट इज। और मैं ना बारी बारी सब आपको परफ्यूम सिखाने वाली हूँ। अब ये जो परफ्यूम्स है ना, ये बिल्कुल ही वो पैक्ड है, बिल्कुल ओपन ही नहीं हुई हैं, और ये वाले ना मैंने बिल्कुल हल्की हल्की यूज़ की हैं। बाकी आते हैं इनकी तरफ, तो ये वाले जो है ना ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। तो आपने ना विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल सुना ही होगा कि वो कितना ज़्यादा फेमस हो चुका था, तो ये उसी का ही एक वेरियंट है जिसका नाम है बॉम्बशेल ऊद। अब आई एम श्योर कि ऊद तो आपको पता ही होगी कि क्या होती है, तो ये बॉम्बशेल परफ्यूम अगर आपने थोड़ी सी उसके नोट्स आपको पता होंगे ना, तो आपको पता होगा कि अगर उस बॉम्बशेल में हम ऊद मिक्स कर लें तो वो किस तरह से हो जाएगी। अच्छा, एक ऊद होता है बहुत स्ट्रांग होता है, एक होता है ऐसा स्वीटी ऊद। इसका ना मैंने पूरा सेट ऑर्डर किया था जिसके साथ मुझे ये लोशन मिला था बॉम्बशेल ऊद का ही सेम, एंड उसके साथ ना मुझे ये भी जो है ना साथ शावर जेल मिली थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप शावर जेल के साथ फ्रेश होते हैं, बॉडी वॉश करते हैं, फिर जो है लोशन लगाते हैं, देन फिर परफ्यूम लगाते हैं, तो आपकी जो स्टेइंग पावर होता है परफ्यूम का वो अच्छा हो जाता है और आपकी जो स्मेल है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और वैसे भी ना इसकी स्मेल, मैं आपको इसकी लास्टिंग बताऊँ ना, तो ये अप टू 2-3 डेज होती है। और मैंने ना ये लगा के अपने कबर्ड में रख दी थी, तो एक हफ्ते के बाद भी यही खुशबू आ रही थी मुझे।
और ये है परफ्यूम बाय सी के कैल्विन क्लाइन की। ये परफ्यूम है यूफोरिया और इसके जो नोट्स हैं ना वो थोड़े से जो है स्ट्रॉन्ग की तरफ है, थोड़ी सी ना इसकी जो नोट्स हैं वो थोड़े से मेनली है जो कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए देखिए ये फुल है, मैंने अभी तक इतनी यूज़ भी नहीं की है। और ये है परफ्यूम बाय ज़ारा जिसका नाम है ओरिएंटल, और ये ना बहुत ही अच्छी वाइब देता है, इतनी फ्रेश फ्रेश वाइब देता है, इतनी स्वीटी कैंडी सी वाइब देता है, तो ये मुझे बहुत पसंद होती है। और इसका नाम है ओरिएंटल लेकिन इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है, लाइक 8 to 10 hours इसकी लास्टिंग आराम से हो जाती है। बस मैं आपको ये कह सकती हूँ इसको आप लगाएंगे ना आपका मूड एकदम से फ्रेश हो जाएगा, फिर भले आपने 2 दिन से नहाया ना हो 3 दिन से नहाया ना हो, इसको लगाने के बाद आपकी वाइब भी चेंज हो जाती है। तो दिस इज़ अ मस्ट बाय। दिस इज़ अनदर ज़ारा परफ्यूम, ये जो है मैं दुबई गई थी तब मैं लेके आई थी। ये रेड वनीला है, ये स्वीट भी है लेकिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी है। अच्छा, जो फासले नहीं होते हम खाते हैं उनकी तरह इसकी स्मेल है और बहुत ही जो है ना स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, मुझे ये भी पसंद है। तो ये तो अभी ख़त्म ही हो गई है, आप देख सकते हैं। आते हैं पाकिस्तानी परफ्यूम्स पे, तो ये मैं आपको 100% जो है ना रिकमेंड करूँगी। ये मुझे जो है बर्थडे में गिफ्ट मिली थी, मैंने जो है ना ऐसे ही इसको कहा था कि इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने इसको सितंबर से लेके अभी तक कितनी ज़्यादा यूज़ की है, ये आधी से नीचे चली गई है। इसका स्टेइंग पावर बहुत अच्छा है, ये बहुत एक रिफ्रेशिंग सी परफ्यूम है और इसका नोट ऐसे नहीं है कि ये फुली स्वीट है, इसका स्वीट प्लस फ्लोरल नोट्स है। जिनको फ्लोरल पसंद है उनके लिए भी है, जिनको स्वीट पसंद है उनके लिए भी है, एंड थोड़ी सी ना स्ट्रॉन्ग वाइब देती है। तो दिस इज़ अ मस्ट बाय, मैं तो कहूँगी अगर आपको डेली यूज़ के लिए बाय करनी है ना कोई परफ्यूम तो ये आप बाय कर लें। इसका नाम देखें, इररेसिस्टिबल इसका नाम है, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन फिर आप जाके बाय कर लें या फिर वेबसाइट से ऑर्डर कर लें। दिस इज़ अ वेरी गुड, सेल लगे सेल में से ऑर्डर कर लें तो आपको फिर फ़ायदा ही होगा। और पाकिस्तानी परफ्यूम्स में ये है खादी की परफ्यूम जो कि है अंबर मिस्ट्री, ये मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। खादी की परफ्यूम्स हमेशा लाइक इनका कोई स्टे नहीं होता, इनकी कोई क्वालिटी नहीं होती, ये जो है ना मिस्ट की तरह भी काम नहीं करती। ये जो मेरी मिस्ट पड़ी हुई है ना बाथ एंड बॉडी की, ये सफायर की है तो वो भी अच्छे से काम करती है, लेकिन ये तो बिल्कुल भई लाइक 5 मिनट इसका स्टे है फिर ये बस पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, घर जाके पहुँच जाती है अपने। और इसके नोट्स जो है ना वो काफ़ी मज़े के हैं, तो तभी मैंने ये ली थी। इट्स लाइक कैंडी, जो आप ऑरेंज कलर की फंटा लेते हैं ना, फंटा हम टॉफ़ी खाते हैं बचपन से, तो उस टाइप के जो है ना इसके नोट्स है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं फ्लोरल की, तो उस टाइप के इसके नोट्स है। नोट्स अच्छे हैं, मुझे ऐसी परफ्यूम्स पसंद होती है, लेकिन स्टेइंग पावर ज़ीरो। अच्छा, तो ये जो परफ्यूम है ये है बर्बेरी वीकेंड जो कि फॉर वुमेन है ऑब्वियसली। चलिए तो अभी इसको निकालते हैं, ये रही इसकी बॉटल। अच्छा जी, जो इसके नोट्स हैं ना वो थोड़े से रोज़ की तरफ है, रोज़ पेटल्स की जैसे खुशबू होती है, फिर आप उसमें जैस्मिन मिक्स करते हैं, उसमें फ्रेश लीव्स मिक्स करते हैं, तो ये ज़्यादातर ना फ्लोरल परफ्यूम है। जैस्मिन और रोज़ पेटल्स की स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसमें और इसका स्टेइंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और बर्बेरी के एक और मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो ये वाली आप चेक करें, बॉडी बाय बर्बेरी, ठीक है। ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए बर्बेरी की ना, मुझे बस एक बात पसंद नहीं है क्योंकि इनकी जो स्मेल या इनकी जो सिग्नेचर सेंट होती है ना हर परफ्यूम में वो थोड़ी सी फ्लोरल की तरफ ज़्यादा होती है। तो इसके जो नोट्स हैं ना वो थोड़े से लेमन, रोज़, जैस्मिन, सैंडलवुड और थोड़े से ना अंबर की तरफ है और थोड़ी सी मस्कुलिन जो नोट्स होते हैं ना उसकी तरफ है। तो आई गेस सारी सारी बर्बेरी की जो परफ्यूम्स हैं ना वो इस तरह की होती हैं, तो सेम ही है तकरीबन इन दोनों के जो सेंट है ना, अगर आप मिक्स मैं डिफरेंट करके लगाऊं तो ऐसा लगेगा मैंने सेम लगाई हुई है। और ये दोनों जो आप परफ्यूम्स देख रहे हैं ये दोनों अहमद की हैं जो कि अरबिक ब्रांड है वहाँ का। अच्छा, तो इसका नाम है तालीफ और ये जो परफ्यूम है ना मैं आपको क्या बताऊँ, जब आप इसको अगर स्मेल करेंगे इसके नोट्स कुछ ऐसे हैं कि जब आप ऐसे नहीं दुबई में जाते हैं या फिर दुबई के किसी मॉल्स में जाते हैं तो एक अच्छी बहुत एक रोज़ फ्लोरी ऊट टाइप की आपको सेंट आती है, बिल्कुल ये वैसे है। एंड ये जो है ना यूनिसेक्स है, बिल्कुल काम फ्लोरल इसके नोट्स हैं और उसमें ना टच दिया हुआ है लाइट ऊट का। इसकी थोड़ी सी अजीब सी इसकी डिज़ाइन है, आई डोंट नो ये कैसे लगेगी। तो देखिए इस तरह से स्टैंड करेगी, थोड़ी सी स्टैंड करने में अजीब ऐसे लग रहा है, टूटी हुई है, लेकिन इसको अभी जो है ना मैं ओपन करती हूँ। एप्लीकेशन देखिए इसकी, मज़े की लग रही है।
अगर आप गए होंगे ना किसी भी अरबिक कंट्री में, तो आप किसी भी अरबिक कंट्री के मॉल में चले जाएं, जो आपको जाते ही सेंट आती है थोड़ी सी ऊट टाइप की, ये बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल वही लाइट लाइट सी फीलिंग है, लाइट ऊट टाइप है ये ना, बहुत एक रिच वाइब देती है ये वाली परफ्यूम। तो अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं या फिर बड़े किसी इवेंट में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, तो ये लगाएंगे तो आप में से काफ़ी अच्छी वाइब आएगी। और ये वाली मैं आप लोगों के सामने अनपैक करती हूँ। ओके, तो ये वाली जो परफ्यूम है ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, इसका नाम जो है ना वो है वायोला। अच्छा, इसकी जो स्मेल है ना वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ऊद की तरफ है, और जैसे नहीं अंबर और जो है ज़ाफ़रान की खुशबू होती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सी होती है ना जो ऊद, तो उस टाइप की है ये अहमद की परफ्यूम। ये हो गई या फिर ये हो गई, इन दोनों का जो स्टेइंग पावर है ना, ओ माय गॉड, लाइक ये दो दिन तक आपकी परफ्यूम की स्मेल नहीं जाएगी। अगर आप घर पर भी लगाएंगे ना तो पूरे घर में खुशबू हो जाती है ये। लाइक इनकी क्वालिटी, इनके नोट्स, इनकी स्टेइंग पावर बहुत अच्छी है। बर्बरी का स्टेइंग पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये 15 या 20 घंटे इसका स्टेइंग पावर होता है। इन दोनों का सेम ही है, और इसकी तो मैंने बता दी, और इनका भी स्टेइंग पावर बता दिया। इनका मैं आपको स्टेइंग पावर बता, 8 से 10 घंटे आराम से दोनों ज़ारा की चल जाती है। अच्छा, ये मिस्ट तो सारी जो है ना बाहर की, आपको पता है पाथिन बॉडी की, लेकिन ये वाली जो मिस्ट है ना ये है पॉप स्टार बाय सफ़र। ये हमारे अपने मुल्क अपने ब्रांड की है, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसकी मैं आपको रिव्यू देती हूँ। कि जो स्मेल है ना वो बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे पसंद होती है, बिल्कुल कैंडी सी, स्वीट सी, और इसका जो स्टेइंग पावर है ना वो 4-5 घंटे है ही है। और जो ये मैंने खाटी से परफ्यूम ली थी ना उससे तो ज़्यादा इसका स्टे है, इतना है कि आप जो है ना बाहर से जाके आ जाए तब में ये स्मेल रहेगी। नहीं, ईद की शॉपिंग में ली थी, लेकिन क्या इन्होंने ये मिस्ट निकाली है, ये ले लें या फिर दूसरी आप देख लें, लेकिन है बहुत अच्छी नो डाउट। पर अगर आप कंपेयर करें बाथ एंड बॉडी से, तो आपको तो पता है बाहर के ब्रांड्स तो फिर उसमें ज़्यादा क्वालिटी होती है। और इनकी जो सफ़ाई की जो प्राइस थी वो थी 1300, और इनकी प्राइस तो फिर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है। इसके भी जो नोट्स हैं ना वो स्वीट से हैं, फ्लोरल और थोड़ी सी तेज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये ना मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये आप लगाएंगे ना थोड़ी देर के बाद ना इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। मेरा ख्याल था ये मुझे फील हो रहा है, लेकिन जब से हनी ने यूज़ की है ना, तो हनी ने मुझे कहा कि ना बाद में स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर मैंने कहा ये मेरा वहम नहीं था, हनी भी सेम ही बात कर रही थी। और फिर ये छोटू सी भी मिस्ट है मेरे पास इनटू द नाइट्स, इसकी स्मेल जो है वो थोड़ी सी फ्लोरल है, कैंडी टाइप नहीं है लेकिन स्वीट फ्लोरल टाइप है, और इसका स्टेइंग पावर बहुत अच्छा है। ये है विक्टोरिया सीक्रेट पे, जो कि देखे मैंने सारी खत्म कर ली भी है। ये है प्योर सेडक्शन, इसका लोशन, इसकी मिस्ट बहुत ही वायरल हुई थी, तो इसका भी स्टेइंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 6-7 घंटे जो है ना आराम से ये चल जाती है, और इतनी मज़े की फ्रेश फ्लोरल है ना, फ्रेश भी है, फ्लोरल भी है, स्वीट भी है, लाइक हर किस्म का बंदा इसको यूज़ कर सकता है। और जब आप नहा के इसको यूज़ करते हैं ना, ओ माय गॉड, इतनी अच्छी वाइब आती है, तो दिस इज़ अ मस्ट बाय। सो दैट इज़ इट। और देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है ये लोशन है विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल, तो इसकी भी जो है ना काफ़ी फ्रूटी और स्वीट स्वीट सी जो है सेंट है, तभी मैंने ये लिया था, इसके सेट में आया था। और ये गिंगम जो है लोशन है बाथ एंड बॉडी का। सो दैट्स इट, आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी ये वीडियो, मेरा व्लॉग। वो मुझे दे इजाज़त अभी के लिए, मुझे अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। डू लाइक माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।